हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज बन सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सलामत होंगे, कुशल होंगे और भगवान से आशा भी करता हूँ आप हमेशा सही और कुशल रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो सभी जितनी भी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी का जो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक संस्था है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि सभी का एक कॉमन एग्जाम कराती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराती है, डीम्ड और प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस पीजी के कोर्स में। इससे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, अब बना रहा हूँ पीजी के पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें मास्टर डिग्री भी आती है, बीपीएड भी आती है, एमपीएड भी आती है, और तुम्हारा एमए आता है, एमए योगा वगैरह जितनी मास्टर्स डिग्री हैं वो भी इसी में आती है, इस पीजी कोर्स में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो आपका कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पीजी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन सी सीयूटी के थ्रू पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऑल ऑफ इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें, सभी यूनिवर्सिटी बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एनटीए ने इनवाइट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो इसे हम शॉर्ट में सीयूईटी पीजी 2023। तो दोस्तों, नेशनल टेस्ट एजेंसी ये आप दे रखा है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा मैं। या आप देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन सी इंक्लूड है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अक्रॉस द कंट्री की यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो आप देखिए इंस्टीट्यूट ब्रांच जो भी है, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप देख पढ़ सकते हो उसे। तो दोस्तों, ये है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट है, जो सीयूटी वेबसाइट है, https://cuet.nta.nic.in पर जाके आप विजिट करके यहाँ पर वेब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो पीजी कोर्स के लिए। इसकी जो ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन करने की जो डेट आई है, वो 20/3/2023 यानी 20 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होना, वेब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 20 तारीख से, यानी 20 मार्च से 3/2023। और ये कब तक चलेंगे दोस्तों, ये 19 अप्रैल यानी पूरा एक महीना चलेंगे, 19 अप्रैल तक चलेंगे, 19/4/2023 यानी 19 अप्रैल तक ये ऑनलाइन होंगे एक महीने तक, और अप टू 19 तारीख के लास्ट 5 बजे शायद बंद हो जाएगी, 5 बजे PM बंद हो जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की फ़ीस की है, वो ही आपकी, अगर आप पहले नहीं कर पा रहे तो 19 तारीख तक कभी भी आप अपना जो इसकी फ़ीस है वो काट सकते हो, 19 तारीख तक शाम अप टू 11:30 तक काट सकते हो आप फीस जो भी है, और फीस क्रेडिट, डेबिट और कार्ड, नेट कार्ड, बैंकिंग, UPI के थ्रू काट सकते हो। इसके बाद आपकी करेक्शन डेट है, करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, जो करेक्शन है वो 20 तारीख से यानी 20 अप्रैल से 20/4/2023 से 23 तारीख यानी आप जो भी आपकी मिस्टेक हो जाती है बाई चांस तो आप करेक्शन करा सकते हो। जो करेक्शन है वो करेक्शन के लिए चार दिन दे रखे हैं, 20 तारीख से 23 तारीख से आप करेक्शन करा सकते हो, उसके बाद नहीं करा सकते हो अगर कोई आपकी मिस्टेक बाई चांस हो जाती है। इसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट पर जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, वो आपकी बिल भी अनाउंस, जो भी आपकी डेट है वो शॉर्टली अनाउंस कर दी जाएगी वेबसाइट पे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, वो भी आपकी बिल भी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट पर कर दी जाएगी। उसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन का समय है, जो आप एग्जाम दोगे उसका एग्जामिनेशन का समय है 2 घंटे यानी ड्यूरेशन है 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस, जो भी टाइमिंग है, डेट कब है, क्या है, वो आपकी शॉर्टली अनाउंस कर दी जाएगी। और इसकी वेबसाइट है, आप ये सामने देख सकते हो, cuet.nta.nic.in पर जाके आप विजिट कर सकते हो, इस पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, किसी भी साइबर कैफे के थ्रू कर सकते हो, अगर साइबर कैफे पर नहीं जाते हो, आपके पास लैपटॉप है तो घर पर भी कर सकते हो, पैसा बचाने हैं तो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अंडरटेक द करेक्शंस वेरी केयरफुली सो नो फर्दर चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड। जो भी कैंडिडेट बता रहा है, रिक्वेस्ट है कि अपना जो करेक्शन है वो अच्छी तरह से फिल करें। इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी स्कीम, एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम फीस, प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग, ये सभी दे रखी है, आप इस साइड पर जाके विजिट कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जाके आप कॉल करके इस पर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, और साइड भी दे रखी है, इस साइड पर जाके भी आप प्रॉपर देख सकते हो।
तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इसकी कौन कौन सी इसमें यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर, NTA CUT PG 2023 एंड 2023 एडमिशन टेस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई हो गया, स्टार्ट हो गए हैं। आपको मैं बता दूं ये सब डेट दे रखी है, आप देख सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी PG का जो एडमिशन टेस्ट है, CUT का PG 2023 का, वो आप इस पर भी डेट दे सकते हो। इसकी फीस, उस पर फीस नहीं दे रखी, तो इसकी मैं आपको फीस बता दूं। एप्लीकेशन स्टार्ट मैंने आपको बता दिया 20 तारीख से 19 अप्रैल तक चलेंगे। इसकी करेक्शन डेट भी मैंने आपको बता दी, 20 से 23 तक करेक्शन डेट है। एग्जाम डेट एज पर आप शेड्यूल आपको बता दी जाएगी, ना आपके पास जो भी ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर लगाए उस पर मैसेज आ जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस बता दूँ मैं आपको दोस्तों, जो जनरल की फ़ीस है वो 800 रुपये है, बाद में आपका जो भी साइबर कैफे का जो भी खर्चा है वो अलग से है, 800 रुपये जनरल की है। और EWS और OBC की 600 रुपये है, और SC ST और PH उसकी 550 रुपये है, और एडिशनल टेस्ट पेपर चार्ज आपका जो अलग से है जनरल का 200 रुपये है, और अदर कैटेगरी जो भी जनरल का 200 रुपये फिक्स है, अदर कैटेगरी में जो भी आते हैं EWS OBC ST PH वगैरह की, उसकी 150 रुपये अलग से है। अब मैं बता दोस्तों इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्जाम में, तो इसमें जो कौन कौन से कोर्स हैं, तो दोस्तों आप कोर्स दे सकते हो, ये MA MSc MTech MSc BEd आचार्य MArch, और ये सारे कोर्स हैं। आप, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप होल्ड करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। BPed MPed वगैरह सारी दे रखी हैं। अब मैं बता दूँ कौन कौन सी इसमें, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट CUT का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है वो पास्ट अपीयरिंग आप डाल सकते हो, पास्ट भी है और अपीयरिंग फाइनल ईयर का भी डाल सकते हो। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन रिलेटेड सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन की, जैसे भी आप कर रहे हो जिस भी डिपार्टमेंट में मेडिसिन है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन के बाद, अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी इसमें यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्रिबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में पढ़ती है जो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी है जो अमरकंटक PG एडमिशन, IGNTU रीजनल सेंट्रल मणिपुर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर वाली, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है श्रीनगर गढ़वाल में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है JNU, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, और तुम्हारा द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके बाद सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी है, नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी है, इसके बाद BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपकी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट NIT यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, अपेक्स यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट PG एडमिशन है, और फॉर मोर यूनिवर्सिटी जो कि अभी लिस्ट कुछ यूनिवर्सिटी जो भी अभी इसमें लिस्ट अभी आई नहीं है, और भी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो आप शॉर्टली आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों मोस्टली यूनिवर्सिटी जो भी थी मैंने आपको उसकी बता दी, इसमें मेरे ख्याल से इसमें DU ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और तुम्हारा LNIP शायद इस बार शायद इसमें नहीं किया है मेरे हिसाब से, और शायद इसमें दे नहीं रखी है अगर किया हो तो। तो दोस्तों ये थी यूनिवर्सिटी, मैंने आपको सारी यूनिवर्सिटी बताई। अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।